क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं यार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो भाई? क्या चल रहा है और क्या हो रहा है? सुबह हो चुकी है लेकिन कहीं ऐसी जगह से हुई है जो कि है बिल्कुल स्ट्रीट टाइप। और आज हम करते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी की बात और एक ऐसी टिप जो कि आपका सारा काम बदल देगी, आपकी सोच बदल देगी, आपका वर्क फ्लो बदल देगी। फोटोग्राफी इम्प्रूव करने के लिए कई बार आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, अपनी सोच चेंज करनी पड़ती है और वो आपका सारा गेम बदल देती है। तभी आप अपने काम को ना ऊपर वाले लेवल पे लेकर आ पाओगे। ऐसा करते हैं कि पहले एक चाय ले लेते हैं, चाय पीते पीते करेंगे बात। इस वक्त बढ़िया सा मौसम हो रखा है, हम घूम रहे हैं एक ऐसी जगह जो अभी बंद है। देखते हैं कहाँ है भाई चाय की दुकान, किधर गई चाय की दुकान? शायद इधर की तरफ है चाय की दुकान। चाय के बिना तो वो काम नहीं चलेगा ना। चाय ले ली है, चाय पे करेंगे चर्चा और अपन का थोड़ा सा हो गया है खर्चा। कुर्सी मिल जाए कहीं पे तो बैठ जाएंगे, बातचीत कर लेंगे आप लोगों से। यहाँ पे टेबल है। तो भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी है ट्रेनिंग योर माइंड एंड आईज, ये दो चीजें हैं जिनको आपको ट्रेन करना है। सेटिंग वेटिंग्स नहीं बता रहा, सिर्फ बातें बोलूंगा, सुनो ध्यान से और यही आपका सब कुछ बदलेगी। हमें क्या ट्रेन करना है? दो चीजें, माइंड और आईज। ये दो चीजें क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंड है ना वो सबसे ज्यादा विचलित रहता है, कंफ्यूज रहता है, वही है जो सब कुछ करने पे मजबूर करता है, बोलता है ये सही है ये गलत है। एट दी एंड आप सिर्फ वही कैप्चर करते हो जो आपका माइंड सोचता है। माइंड बेसिकली आपको फोकस नहीं करने दे रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रहा और आपको इधर उधर घुमा रहा है और अल्टीमेटली वो आपको एक ऐसे मुकाम पर ले जाता है जहां पर आप कंफ्यूज ज्यादा होते हो, कॉन्सेंट्रेशन कम होती है आपकी और आप करना कुछ और चाह रहे होते हो, कर कुछ और बैठते हो और चीजें हो जाती हैं गड़बड़ और आप अल्टीमेटली कुछ लेकर नहीं आते, सिर्फ कंफ्यूजन कंफ्यूजन और कंफ्यूजन। दूसरी चीज होती है हमारी आंख। आंख ही वो चीज है जो चीजों को देखेगी और फोटोग्राफी में आंख ही वो चीज है जो आपके दिमाग को बताएगी कि देख ये सही है, वही है वो जो मैसेज भेज रही है आपके दिमाग को बताने के लिए कि भाई ऐसा शूट कर ले ऐसा शूट कर ले, या इस चीज को इंक्लूड कर लेते हैं इस चीज को एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो आंख अगर आपकी ट्रेंड नहीं है, फोकस्ड नहीं है, तो ना आपका दिमाग फोकस्ड होगा ना आपकी आंख फोकस्ड होगी और अंत में आप सिर्फ कंफ्यूज्ड होगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगर फोकस्ड रहना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्येय को पहचानना है, मुझे ये चाहिए मुझे ऐसा ही करना है, तो आपको इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। और इस चीज को ट्रेन करने के लिए सिंपल सा एक रूल है और एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूं और वही हमारे काम को, स्पेशली स्ट्रीट फोटोग्राफी को बहुत बहुत इंप्रूव करेगी। आप जानते हो कि जितनी भी चीजें मैं बताता हूं वो मेरा एक्सपीरियंस है। शुरू में जब मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट करी थी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था और मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी, मिस्टेक कह लो या सबसे मोटी गलती कह लो, वो एक चीज थी जो मैंने बहुत बाद में जाके रियलाइज करा और वो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि मैं यूज करता था भाई जूम लेंसेज। आप जूम लेंस कोई सा भी यूज करो, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा और आपको फोकस नहीं रहने देगा। मैंने जो सीखा है कि अगर आपको इस दिमाग को और अपनी आंख को ट्रेन करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो आपको सिर्फ फिक्स्ड फोकल लेंथ यूज करनी है। फिक्स्ड फोकल लेंथ का मतलब है कि भाई आप जो भी फोकल लेंथ यूज कर रहे हो, चाहे आप 16mm यूज कर रहे हो, 23 यूज कर रहे हो या 35 कर रहे हो या 50mm कर रहे हो, सिर्फ एक फोकल लेंथ के साथ ही अपने कैमरा को लेकर बाहर निकलो और उसी के साथ शूट करो। फिक्स्ड फोकल लेंथ एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप यूज करने लगते हो तो वो आपको और आपके दिमाग को, आपकी आंख को इतना ट्रेन करेगी कि आप इधर उधर भटकोगे। शुरू में बहुत बहुत मुश्किल था, समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे करूं, क्योंकि आदत पड़ चुकी थी दिमाग को कंफ्यूज रहने की, आदत पड़ चुकी थी दिमाग को इधर उधर भटकने की और उसका रिजल्ट कुछ नहीं हो रहा था। तो उस रिजल्ट को सुधारने के लिए अगर आप मेरी मानो फिक्स्ड फोकल लेंथ यूज करो, एक कैमरा एक लेंस, बस उसी लेंस को पकड़ के चलना है, ये आपकी जिंदगी बदल देगा, काम को बदल देगा, सोच को बदल देगा और बहुत फोकस्ड हो जाओगे क्योंकि आपके पास एक ही फोकल लेंथ है, सिर्फ एक ही एंगल ऑफ व्यू है। शुरू में मुश्किल लगेगा कि मैं क्या करूं, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता है कि मेरे पास सिर्फ इतना सा फ्रेम है, इसी फ्रेम में मुझे क्या चीजें डालनी है क्या चीजें निकालनी है आपको पता होगा। आप उस लेंस को समझ जाओगे
कि ये 16 पे क्या करता है, 1.2 पे क्या करता है, आपको कितने डिस्टेंस पे अपने सब्जेक्ट से दूर खड़े होना है। तो आप कॉम्पोजिशन को समझ रहे हो, आप बेकार की चीजों के ऊपर अपना ध्यान नहीं दे रहे हो कि मैं आगे हो जाता हूँ, पीछे चला जाता हूँ, मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ, मैं इसको क्लोजअप ले लेता हूँ, मैं इसको वाइड एंगल ले लेता हूँ। आप सिर्फ एक चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और वो है आपका कॉन्टेंट। और उस कॉन्टेंट के ऊपर जब आप कॉन्सेंट्रेशन करने लगोगे तो आप फोकस्ड हो गए, आपकी आंख वो ही देखेगी जो ये लेंस आपको दिखाएगा, बिना कंफ्यूजन के, डिस्ट्रैक्शन के। ये आपकी मसल मेमोरी में घुस जाएगा। आप जब लेके निकलोगे इस लेंस को तो आप देखोगे कि आप कितने फोकस्ड हो, कितने एकाग्र हो, क्योंकि अब आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको इधर उधर भटका रही है। आपको पता है कि आपके पास क्या फ्रेम है, को अपने सब्जेक्ट से कितनी दूर रहना है या कितने पास जाना है, और आपका ये जो लेंस है ये किस तरह से रिएक्ट करेगा एक गिवन सिचुएशन में। ये चीज करो और फिर देखो, आप अगर नंबर 10 के लेवल पे थे ना, आप ना आ जाओ 90 के लेवल पे और 100 के लेवल पे, मेरा नाम बदल देना भाई, और मतलब मुझे कभी मत फॉलो कर। मैं सिंपल बेसिक कोर बता रहा हूँ फोटोग्राफी का, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। अपनी आंख और अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो, फाड़ू पिक्चरें लेकर आओगे, जो आपकी जो स्ट्रीट फोटोग्राफी की लुक है, कंटेंट आप लेकर आ रहे हो, सब बदल जाएगा। आप दुआ दोगे अशोक वर्मा को। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ जाओ। ऐसे ही करते हैं ना सब लोग, मतलब कैमरा नीचे रख के फिर आगे चले जाओ और फिर वापस आकर अपना कैमरा उठाओ। निकलते हैं यार, चलो टेक केयर, बाय बाय।